गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। तो टुडेज टॉपिक सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। तो सबसे पहले तो सिंथेसिस को समझना है, वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं। वाक्य संश्लेषण का मतलब है संश्लेषण और एक विश्लेषण। संश्लेषण मीन्स है कि चीजों को छोटा करना, जो विस्तार से है कुछ चीजें उनको छोटा करना। उसी प्रकार उसका अपोजिट होता है विश्लेषण, यानी चीजों को बड़ा चढ़ा कर मतलब एक्सप्लेन करना, छोटी से विस्तार करना। तो उसी प्रकार हमारा जो टॉपिक है आज का, सिंथेसिस, वाक्य संश्लेषण। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर सेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। ये कह रहा है दो या दो से अधिक वाक्यों को उनका अर्थ बदले बिना जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना ही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। कहने का मतलब है कि हमारे वाक्य दो हो या तीन हो या चार हो, हम उन सबको जोड़ करके एक बनाना है। लेकिन जब वो जोड़ करके एक बनेंगे तो उसमें हमारा जो सेंटेंस में अर्थ था, चाहे वो हमारे दो सेंटेंस थे, तीन थे या चार थे, सभी का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। टोटल जो दो या तीन सेंटेंसों में जो अर्थ था, अब वो जब बनकर एक हो गया है तो वो टोटल अर्थ एक ही सेंटेंस में आ जाए। जैसे हम कहें कि मैं बाजार गया और मैंने कुछ फल खरीदे, यानी ये दो सेंटेंस अलग अलग है, अब इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, यानी मैं कुछ फल खरीदने बाजार गया। तो पहले भी यही बात हो रही थी कि मैं बाजार गया था लेकिन कुछ फल खरीदने, तो अब दोनों को जोड़कर हमने बना दिया कि मैं कुछ फल खरीदने बाजार गया। ऐसे मान लिया सेंटेंस हो कि मैं आगरा गया, मैं ताजमहल देखना चाहता था, आई वेंट टू आगरा, आई वॉन्टेड टू सी द ताजमहल। तो यहां दोनों को जोड़कर एक करना है कि आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने आगरा गया। तो इसे हम कहते हैं वाक्य संश्लेषण। अब हमारा जो सेंटेंस बन के आएंगे दो या दो से अधिक को जोड़कर, वो तीन तरह से सेंटेंस आते हैं हमारे पास। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और थर्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो हमें अभी केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में करना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो सिंथेसिस से जुड़ के सेंटेंस आएगा वो कैसा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। दूसरा, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होगी, जहां पर एक फाइनाइट वर्ब भी हो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। जैसे एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। अगर हम बात करें कि ही वाज गोइंग, ठीक है, और अगर करें ही has gone या he rides, you write। तो यहां पर सेंटेंस में जो हमारी ये वर्ब, जैसे write, writes, ये वर्ब है, going, gone, ये जो हमारे वर्ब है, ये वर्ब हमारी चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर पहले राइट्स था, जब हमारा सब्जेक्ट यू हो गया तो हमारी वर्ब क्या हो गई है, राइट। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उनको फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उनको क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब। जैसे यहां गोइंग था पहले, फिर गॉन हो गया, और अगर मान के चले कि ही वेंट, तो ये भी सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है।
तो ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। दूसरा एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे तो इनको विस्तार से जब पढ़ेंगे, जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पता चलेगा। अब यहां पर मान लिया फाइनाइट वर्ब समझ गए, नॉन फाइनाइट से मतलब जैसे ही लाइक्स रीडिंग, यू लाइक रीडिंग। तो ऐसी वर्ब जो हमारे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। यहां ही लाइक्स था यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, तब भी वर्ब क्या थी ये रीडिंग। यहां पर हमारा यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर जो ये वर्ब थी रीडिंग, अब भी ये हमारी रीडिंग ही है तो ये चेंज नहीं हुई। तो ऐसी वर्ब क्या कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां लाइक लाइक्स चेंज हो गया तो ये क्या कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। अब जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं ये एग्जांपल में, ठीक है, ही सॉ द थीफ, उसने चोर को देखा, द थीफ वाज स्टीलिंग, चोर चोरी कर रहा था, तो यहां जोड़ करके हमें एक बनाना है इसको, तो ही सा द थीफ स्टीलिंग यानी उसने चोरी करते हुए चोर को देखा, तो यहां जुड़कर ये एक सिंपल हो गया और जिसमें सा एक फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट है ही वेंट टू द मार्केट, ही वांटेड टू बाय सम फ्रूट्स, तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। तो यहां पर भी हमने सेंटेंस को पूरा जोड़ दिया है और जोड़कर हमारा एक सेंटेंस बन गया है और सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं हुआ। जो अर्थ पहले दोनों सेंटेंस में था वही अर्थ यहां पे है कि वह है कुछ फल खरीदने बाजार गया। वेंट इज ए फाइनाइट वर्ब इन दिस सेंटेंस। क्लियर। अब बात आती है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हम जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो अलग अलग तरह से बनाते हैं। तो फर्स्ट उसमें है पार्टिसिपल, फर्स्ट उसमें हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। ठीक है, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जो हमारी वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर उन वर्ब को विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना पार्टिसिपल यूज कहलाता है। जैसे मान लिया हमारी कोई वर्ब है गो, अब इसको हम कहीं तो यूज कर रहे हैं गोइंग, कहीं पर हमने इसका प्रयोग किया हैविंग गॉन, ठीक है, या कहीं पे हम इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इसका। तो जो हमारी जो वर्ब होती हैं उनको विभिन्न अवस्थाओं में बदलना, जैसे बी, बी से कहीं पर बीन, कहीं पर बीग, ठीक है, तो ये हमारा पार्टिसिपल यूज कहलाता है। तो हम इसमें अब पार्टिसिपल यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहां लिखेंगे वर्ब को उसका रूप बदलकर विभिन्न अवस्थाओं में
प्रयोग करना, विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना उसका, पार्टिसिपल यूज कहलाता है। ठीक है, पार्टिसिपल मीन्स वर्ब को उसका रूप बदलकर विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना उसका पार्टिसिपल यूज कहलाता है। ठीक है, ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यानी हमारे पार्टिसिपल कितने हैं? तीन। वर्ब को उसका रूप बदलकर विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना पार्टिसिपल यूज कहलाता है। अब हमारा पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। इज दैट क्लियर? एक बार आप इसको नोट डाउन कर लें यहां तक, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ाते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, तो वहां आपको वो समझा दिया जाएगा दोबारा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा था प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, लेकिन अब कई बार हमने देखा होगा जिरेंट में भी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी होता है वो भी जिरेंट कहलाता है। जैसे अगर हम कहें स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहां पर स्विम में आईएनजी जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा होता है? आईएनजी। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, डीपली डिफरेंस, तो हम अलग से इसका वीडियो डालेंगे, जिरेंड वर्सेस पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप छोटा सा समझ लें, जो पार्टिसिपल होगा वो हमारा एक तो एडजेक्टिव का काम करता है और उसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं, विशेषता बताने का कार्य और करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये मतलब नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जुड़ी होती है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल डज द वर्क एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। क्लियर, यानी वाक्य के अंदर वो एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, जिसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो जिरेंड होता है वो कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करता है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहां पर जो स्विमिंग है ये हमारा जिरेंड कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा और ये सब्जेक्टिव जिरेंड है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये जिरेंड कहलाता है और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो
किसी की विशेषता भी बताता है नाउन की, तो इसलिए उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। दूसरा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ के अंत में कर, ते ही, हुए, ती हुई आदि शब्द होते हैं, जबकि जिरंड में ना, नी, ने आदि। जैसे ये है तैरना, तो यहां पर ये जिरंड कहलाएगा, ठीक है। या जैसे कहीं दिया हो ही लाइक्स प्लेइंग, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ा है, आईएनजी, लेकिन अर्थ क्या होगा, वह खेलना पसंद करता है, तो यहां भी खेलना, तो इसमें ना है तो इसलिए जिरंड कहलाएगा। दूसरा, ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, ठीक है। यहां पर ये जिरंडियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में, तो अभी हम पढ़ना है केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो फर्स्ट जो उसका रूल है, ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उसका प्रयोग कर रहा है जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्यों का एक साथ होना प्रकट होता है। दूसरा, कार्यों के बीच समय का कोई अंतर ना हो, अर्थात एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाए, ठीक है, यानी टाइम इंटरवल ना हो, गैपिंग ना हो। दूसरा, यह पार्टिसिपल वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करता है, इसे वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये किससे बना होता है, वर्ब से बना होता है। जैसे ही सॉ द डेंजर, उसने खतरे को देखा, ही रिटर्न्ड होम, वह घर लौट गया। तो यहां पर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ना है, सीइंग द डेंजर कमा ही रिटर्न होम। ये हमारा इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। रिटर्न यहां पर एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और सीइंग द डेंजर, वो लौटा क्यों वापस घर, क्योंकि उसको खतरा दिखाई दिया। तो ये जो सीइंग है, सी में आईएनजी भी जुड़ा है, लेकिन ये एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है, इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी हम कहेंगे, खतरे को देखकर। अगर खतरा ना होता उसको वो देख नहीं पाता तो वो वापस लौटता ही नहीं। अब वो वापस क्यों लौटा है, उस लौटने की विशेषता क्या है, सी द डेंजर, खतरे को देखकर। तो इसलिए सीइंग इज नॉट अ जेरंड इन दिस सेंटेंस बट सीइंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस, क्लियर। ऐसे नेक्स्ट है, सी हर्ड द नॉइज, सी केम आउट, यहां पर भी है कि उसने शोर सुना, वह बाहर आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी हियरिंग द नॉइज कॉमा सी केम आउट। अब यहां पर भी हम बात करें कि सी केम आउट, वो बाहर क्यों आई है, क्योंकि उसने शोर सुना। तो हियरिंग भी एक एडजेक्टिव है और वर्बल एडजेक्टिव है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, क्योंकि ये यहां पर नॉइज, सुनकर ही वो बाहर आई है। क्लियर है फर्स्ट रूल सभी को, इसको आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद सेकंड और थर्ड रूल इसका बताते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड रूल होगा, सेकंड रूल में क्या है, यदि पहले वाक्य में मेन वर्ब के रूप में, पहले वाक्य में मेन वर्ब के रूप में इज आर एम वॉज वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इनके स्थान पर बीइंग लगाकर, ठीक है, बीइंग लगाकर वाक्य शुरू किया जाता है। दूसरा, जब वाक्य में कारण व दूसरे में उसका परिणाम दियो, जैसे यहां पर रितु वॉज थर्स्टी, रितु प्यासी थी, तो ये कारण है, रीजन प्रकट हो रहा है सेंटेंस में कि रितु कैसी थी, प्यासी। अब सी ड्रैंक कोल्ड वाटर, उसने ठंडा पानी पिया, तो यहां पर उसका परिणाम निकल के आया
कि रितु प्यासी थी और उसने कैसा पानी पिया, ठंडा पानी पिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस में, यहां पर पहले सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब के रूप में वॉज का प्रयोग। एक सेंटेंस में होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड वाज वर्ब होती हैं, इज आर एम वाज वर्ब, ठीक है, हैज हैड, डू, डज, डिड, और मेन वर्ब यदि कोई एक्शन, एक्शन से मतलब कोई कार्य अगर सेंटेंस में हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो इसीलिए वॉज को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब, ठीक है। इज आर एंड वॉज वाली हमारे सेंटेंस के क्या होंगे, इसमें मेन वर्ब होंगे, क्योंकि यहां सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कोई एक्शन होता जैसे रितु वाज प्लेइंग, तो प्ले क्या है, प्लेइंग एक एक्शन हो रहा है, तो प्ले जो है वो फिर सेंटेंस की मेन वर्ब हो जाती और वाज क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अब यहां पर सेंटेंस के अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, मीन्स कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इज आर एंड वाज वर्ब हमारे सेंटेंस की क्या कहलाएंगी, मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा बीइंग का प्रयोग वही करना है जहां पर इज आर एंड वाज वर्ब के बाद मोस्टली एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। थ्रस्टी एक एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बता रहा है, ऋतु की, ऋतु कैसी है, प्यासी, ठीक है। और उसी प्रकार नीचे भी सी वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, यानी वह खेल कर थक गई है, तो टायर्ड इज नॉट अ मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, बट टायर्ड इज एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, ठीक है। टायर्ड भी है यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि सी जो सब्जेक्ट है ये पायल सी, ये क्या हो गई है, खेल कर थक गई है, तो यहां से सी की विशेषता पता चल रही है। तो यहां पर भी सेंटेंस में जो हमारा ये वाज वर्ब है ये क्या है, एक मेन वर्ब, ठीक है। ये भी सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो ऐसे में हमें इज आर एंड वाज वर्ब के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करना है। अब बीइंग का ये प्रयोग क्यों करना है, अब देखिए बीइंग इसका ही प्रयोग हमें क्यों करना है, क्योंकि बी जो वर्ब है ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं या बेस, और इस बी की जो वर्ब होती है वो इज आर एम वाज वर, ठीक है। अगर बात करें इसकी सेकंड, ये फर्स्ट फॉर्म है, बी जो है फर्स्ट है, अगर सेकंड की बात करें तो वाज, थर्ड की बात करें तो बीन, और अगर फोर्थ की बात करें तो बीन में, बी में आईएनजी, बीन, ठीक है। इसलिए हम बी में ही आईएनजी जोड़ेंगे, कहने का मतलब है यहां ऋतु बी, एक प्रकार से ये क्या हो गया, बी, ऐसे यहां पर भी ये क्या हो गया, बी, और हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसलिए हमारी जो वर्ब है वो है बी, और जो एक फर्स्ट फॉर्म है इसलिए हमने इसमें आईएनजी जोड़ दिया, और आईएनजी जोड़कर ये डायरेक्ट क्या बन गया है, बीन। इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करना है, बीन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जैसे हम सेंटेंस बनाइए, बीइंग थर्स्टी कॉमा, अब ऋतु के लिए सी एक प्रोनाउन है, यूज हुआ है नाउन के स्थान पर, तो यहां पर क्या है, उसी नाउन का प्रयोग कर लेंगे, ऋतु ड्रैंक कॉल्ड वाटर, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट हो जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले कॉमा सी सेट डाउन टू
रेस्ट। क्लियर सभी को ये पॉइंट? ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड रूल देखते हैं, एक बार आप इसका नोट डाउन कर लें। तो इसका थर्ड रूल है, कभी कभी प्राय दूसरे वाक्य में यह पार्टिसिपल बना बनाया होता है। बना बनाया से मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दो वाक्यों को जोड़ते समय इस पार्टिसिपल को पहले वाक्य के साथ हम जोड़ देते हैं। दूसरा यह भी कंडीशन है, यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और एक्शन कार्य रहता है, यानी वो कार्य भी कर रहा है, तो पार्टिसिपल को उसके पहले लगाते हैं। जैसे आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर को देखा, इट वॉज रोलिंग, यह लुढ़क रहा था। तो यहां पर आई सा ए स्टोन, मैंने एक पत्थर को देखा, स्टोन क्या है सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है यहां पर, यह इसका। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कार्यरत भी है, रोल कर रहा है। ठीक है, रोल कर रहा है, ये लुढ़क रहा है, और जब ये रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, ठीक है, लुढ़कते जा रहा है, तो ये क्या है, कार्यरत है। ठीक है, जबकि नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो ऐसे में ये जो रोलिंग है, हमारा जो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल को उसके पहले लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई सा रोलिंग स्टोन, मैंने एक लुढ़कते हुए पत्थर को देखा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, पार्टिसिपल जो होता है एक एडजेक्टिव का कार्य भी करता है, वर्बल एडजेक्टिव। जैसे यहां पर भी एक एडजेक्टिव काम कर रहा है, स्टोन पत्थर कैसा है, रोल लुढ़कता हुआ, तो यहां पत्थर की क्या प्रकट हो रही है, विशेषता। तो रोलिंग नॉट ए जिरंड, रोलिंग इज अ पार्टिसिपल इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट क्वालिफाइज स्टोन। ठीक है, क्योंकि यह है स्टोन, पत्थर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, रोल कर रहा है पत्थर। तो इसलिए पार्टिसिपल और जिरंड में यही अंतर है कि जिरंड विशेषता नहीं बताता है, वो एज एन सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है। लेकिन जो हमारा पार्टिसिपल होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जुड़ी होती है, लेकिन वहां पर विशेषता भी बताता है, एडजेक्टिव का कार्य भी करता है। क्लियर है? उसके बाद है, यदि ऑब्जेक्ट लिविंग है, सजीव है, जैसे आई सा अ बेबी, तो बेबी क्या है, लिविंग पर्सन है, सजीव है, तो यहां जो ऑब्जेक्ट है ये सजीव है, तो पार्टिसिपल को उसके बाद रखना है। ठीक है, जैसे आई सा ए बेबी स्माइलिंग, तो यहां पर जो हमारा पार्टिसिपल है ये हमने बाद में रखा, यानी मैंने एक हंसते हुए बच्चे को देखा, मैंने हंसते हुए बच्चे को देखा, तो स्माइलिंग भी यहां पर क्या है, वर्बल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि स्माइलिंग किसकी विशेषता बता रहा है, बेबी। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे थ्री रूल्स हैं। अब कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं, जैसे ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था, ही फेल डाउन, यानी एक कार्य के साथ कोई दूसरा कार्य हो जाए, एक कार्य पूर्ण हुआ नहीं है लेकिन कोई दूसरा हो जाए, तो वहां पर जो हमारी वर्ब है प्लेइंग, उससे पहले व्हाइल का प्रयोग करके, व्हाइल प्लेइंग, ठीक है, खेलते खेलते, कॉमा ही फेल डाउन, व्हाइल प्लेइंग, खेलते खेलते ही फेल डाउन, वह गिर गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें व्हाइल का प्रयोग करना है, यानी पहले वाक्य में कोई कार्य हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा भी हो गया। जैसे आई वॉज रीडिंग,
मैं पढ़ रहा था, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, यानी पढ़ते पढ़ते मैं सो गया, तो व्हाइल रीडिंग कॉमा आई स्लेप्ट। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको इनको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप इनको मैच कर सकते हैं सेंटेंसों को, ठीक है। अभी सिंथेसिस में हमारा केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ है, अभी पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल रह रहा है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सिंथेसिस पार्ट 2 में, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।